दिल दिया गल्ला। रिया तुझे क्या लग रहा है बेटा कि ये हवेली मैं अपने नाम करा लूंगी और डैडी जी बीजी को घर से बाहर निकाल दूंगी? तू पागल हो गई है क्या? ऐसा सोचती अपनी माँ के बारे में? अरे मैं इस घर की बहू हूँ, तो सास ससुर है मेरे, उन्हें सड़क पर लाऊंगी क्या? मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ ये इसलिए कर रही हूँ ताकि ये चीज दोबारा ना हो, बस, और किसी चीज के लिए नहीं। और इसमें तेरा फिर का फ्यूचर जुड़ा हुआ है और मैं किसी को, मतलब किसी को भी इसे गिरवी रखने नहीं दूंगी बेटा, चाहे कुछ हो जाए। मुझे मत शामिल करो आप इस सब में। कारण चाहे जो मर्जी हो, मेरे तारजी के साथ धोखा हुआ है और आप अपने ये गंदे से फालतू से प्लान में मुझे शामिल मत करना, समझे आप? ऐसा मत बोल रिया, तेरे अलावा मेरा है कौन? तू ही तो मुझे समझती है, फिर पापा को तू जानती है, कहाँ मुझे समझते हैं, कहाँ मेरी बात सुनते हैं वो? एक तू ही तो है जो तू मेरा साथ देती है, जो हमेशा समझती है, है ना रिया? क्या नहीं समझेगी मुझे तू? छोड़िए मुझे, हट जाओ मेरे रास्ते से। शांत हो जा रही है, गुस्से में कोई सही फैसला नहीं लिया जा सकता। चुपचाप चोरी छुपे अंदर ही अंदर जो फैसले लिए जाते हैं वो सही होते हैं क्या? रिया नहीं करनी यार मुझे आपसे बात, क्यों बोल रहे हो बीच में, कहा ना एक बार। रिया इसे क्यों बात कर रही है तुझे? मॉम है वो तेरी। तुम्हें नहीं पता वीर उन्होंने क्या किया? पता है मुझे, अमृता ने बताया मुझे। आप सबको धोखा क्यों दे रही हैं? जिन लोगों ने आप पर इतना ट्रस्ट किया, हर कदम पे आपकी हेल्प की है, आप उन्हीं के साथ ऐसा कर रही हैं? इनफ अमृता, प्लीज चुप कर जाओ। तू क्यों बात कर रही है ऐसे उनसे? सुना मैंने उन्होंने जो कहा, बिल्कुल सही कह रही है वो। तू उनकी बात नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? रिया उनके इंटेंशंस गलत नहीं है, हाँ तरीका जरूर गलत है। उन्हें किसी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आंटी आप रिया को प्रॉमिस करो कि आप ये हवेली अपने नाम नहीं करवाओगे। वीर मैं ये सब अपने फायदे के लिए नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ सेफ्टी के लिए कर रही हूँ कि दोबारा ना हो। उसकी टेंशन आप मत लो, वो मेरी जिम्मेदारी है। अभी आप रिया को कन्विंस करो कि आप कभी कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे उसके दारजी हर्ट हो। रिया के लिए हवेली से ज्यादा वो बात मैटर करती है, राइट रिया? I'm sorry, Riya. मैं नहीं करूंगी हवेली अपने नाम पर, खुश हूं। चाहिए और अपना फोन लेके आइए और अभी इसी वक्त ब्रोकर को फोन करो, उसको ये बोलो कि दारजी के नाम पे हवेली करे फिर से। जाइए जाइए। दिल
हेलो पॉन्टी. हाँ जी प्रजा जी. जो हवेली मेरे नाम होने वाली थी वो अब मेरे नाम नहीं होगी. क्या बात कर रहे हो प्रजा जी? सुनाई नहीं दे रहा जो मैं कह रही हूँ? अब वो हवेली डैडी जी के नाम होगी. उनके नाम की राइट स्पेलिंग तुझे भेज रही हूँ. पेपर्स बनवा देना. ठीक है प्रजाई जी, जैसी आपकी मर्जी. कर दिया मैंने. खुश. आज फिर जीने की तमन्ना है. आज फिर नहीं है, मरना नहीं है. जीने की तमन्ना है. आज फिर मरना नहीं, नहीं जीने की तमन्ना है. वाह भाई वाह. आज फिर जीने की तमन्ना. गले सरदार जी, सानू ही बताओ इतना मुस्कुरा रहे हो. मैनू डांट के खुद को बड़ा हंसा रहा है. ओ एवी ना अपने मन में कुछ भी बातें ना बनाया कर संजोत कर. ओ मैं तो हमेशा ही ऐसे ही इतना ही खुश रहता हूँ. होना क्या, कुछ भी नहीं हुआ? कुछ तो हुआ है पीछे. इतनी खुशी करते वक्त नहीं पता था छितर पड़ेंगे. डैडी जी बहुत वड्डी गड़बड़ होगी जी, बहुत वड्डा कांड हो गया जी. क्या हो गया? तो तुम सब ठीक तो हो ना? वो तो मोटरसाइकिल लेके गया था कहीं, मार मुड़ तो नहीं आया किसी को, ठोका तो नहीं? भैया उससे तो बहुत ही बड़ी बात है जी. ओए कोई बताएगा भी हुआ क्या है? और डैडी जी मान भाई साहब ने फिर से धोखा दे दिया जी. ये हवेली धोखे से अपने नाम करा ली है. हाँ जी जी डैडी जी. तो बता अब जी. वो राणा भाई साहब और परजाई जी ने हवेली के पेपर आपके नाम बनवाने के लिए बोला था, पर आपके वो बड़े बेटे अमेरिका वाले ने मुझे अलग से फोन करके पैसे दिए और कहा कि हवेली के पेपर उनके नाम बनवा दो. और तुमने बना दी? थोड़े से पैसों के लिए अपने ग्राहक से, अपनी पहचान से, अपने कम तक से धोखा कर दिया. बिक गया थोड़े से डॉलर के लिए. गंदा आदमी. गंजे थोड़े से पैसे नहीं थे, बहुत ज्यादा दिए थे. और मैं ये काम नहीं करता था, वो किसी और से करवा लेते. और वैसे भी हवेली छुड़वाने के लिए पैसे उन्होंने दिए थे. क्या कहा तूने? एक बार फिर से बोला. वो आपके बड़े बेटे अमेरिका वाले ने पैसे देके हवेली अपने नाम करवा ली. चुप बोल. आ गया ऐसे चल. आपके काबिल और होनहार बेटे राणा ने पैसों का इंतजाम कर दिया. मेरा एक दोस्त है जी, उसने मदद की मेरी. और राणे तूने झूठ बोला मुझसे. तूने कहा कि पैसे तेरे दोस्त ने. डैड
डैडी जी। और रहा तू निकम्मा का निकम्मा ही। सही कहता हूं मैं तेरे बारे में, काम कणा काज का दुश्मन अनाज का। शर्म कर भाई, उस इंसान से पैसे लिए तूने और झूठ बोला मुझसे, अपने बाप से। डैडी वो तो मैंने इसलिए। बात क्या था? मेरे पास मत आना, कभी हाथ ना उठ जाए मेरा। उस गहने वाले कांड के बाद मैंने साफ साफ कहा था, मना किया था और कहा था मैंने कि गुरुद्वारे के बाहर खड़े होके भीख मांग लेना। लेकिन उस एहसान फरामोश उस अमेरिकन से एक पैसे की मदद ना लेना। ओए तूने नहीं सुनी मेरी, ओए इस बार तो तू हद ही पार करके, ओए मेरा कार बेच के खा गए तुम दोनों। चंद डॉलरों के सामने अपने बाप का प्यार, अपने बाप की इज्जत इतनी छोटी पड़ गई कि उसको जाके बेच दिया दुश्मन के हाथ में। ना सरदार जी, दुश्मन नहीं हूं। और तो चुप कर संजोत करे, इनको कुछ नहीं पता है। वो तेरा पुत्र आया, तेरे पैरों में आके गिर गया, तुझसे गले लग गया, बस सारे गुनाह माफ कर दिए तूने, उसके सर पे बिठा लिया और इसी का फायदा उठाया उसने, इसीलिए उसकी हिम्मत बढ़ गई, उसने फिर से धोखा दिया, फिर से गद्दारी की हमारे साथ। और तू उसी की तरफ तारी कर रही और जबान लड़ा रही अपने पति से, और तू यहीं पे खड़ा है, दफाओ यहां से। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.